मोदी पे, मोदी पे जी। क्यों मोदी जी, क्यों राहुल क्यों नहीं? ऐसे आप बताएंगे मोदी जी, मोदी जी क्यों, मोदी जी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल बाबा नहीं कर रहे हैं? जब उनको मौका मिलेगा तब करेंगे। क्या लगता है कि मौका लगेगा तो करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। राहुल का गारंटी है, राहुल की खुद की गारंटी नहीं है, राहुल की खुद की गारंटी नहीं है। अमेठी से लड़ते लड़ते अब रायबरेली से लड़ने चला गया, कांग्रेस खत्म हो गई, माता जी चली गई राजस्थान राज्यसभा से, तो क्या है? अब ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो लोगों को बता रहे हैं कि लोग गरीब है, ये है वो। इनके रीजन में तो लोग मरते थे भूख से, भूख से मरते थे। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो चालू की थी स्कीम, उनके लिए बेरोजगारी के लिए तो काम कर ले, अभी तो खुद ही वो सब बेरोजगार हुआ है। देखो जो बेरोजगारों के लिए काम करेगा वो आगे रहेगा। राहुल जी की राहुल दूर दूर तक नहीं है, राहुल अब सपना हो गया, भूल जाओ 2047 तक आने वाला ही नहीं। देखो जो भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसे आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। अग्निवीर योजना है उसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिससे देश की एकता का नुकसान हो रहा है। आने को वो 4 साल बाद में अपने भी बंदूक रखे हैं, भी पैसा लाओ वो कहाँ से देंगे? पीएम का चेहरा कुछ नहीं होता जो देश के लिए। एक एक साल का पर्दा, 12 बाराती है, 12 दूल्हा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देश को बर्बाद करके रख देगा, एक साल वो, एक साल वो, एक साल वो। पहले इसमें तालमेल नहीं बैठेगा, सबसे पहला बात गठबंधन भी नहीं है। पंजाब में गठबंधन है ही नहीं कांग्रेस आम आदमी का, यहाँ आके गठबंधन है, कौन सा गठबंधन है? तो कहेगा गठबंधन एक बात हो रहा है, चलो दिल्ली मोदी जी जीत के दिखा दे, असर है। चलो 7 लोकसभा सीटें, क्या लगता है बीजेपी? कुछ भी नहीं आएगा, जीरो जीरो बट्टा सन्नाटा। जी बताएं क्या करेंगे? देखिए ये जो है वो कन्हैया कुमार को लिया है, जो क्या करता है फूट डालो और शासन करो, कहता है जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह कहाँ है? वहाँ जेएनयू में लेके आया वो, और मचा रहा है यहाँ अल्लाह। देखा आपने अरविंद सिंह लवली चला गया, संदीप दीक्षित नाराज है, इधर से केजरीवाल का जेल में बैठ के वो पोस्टर बना करके वो चिपकाए जा रहे हैं, पोस्टर चिपक जाएंगे क्या? देखिए जो वाशिंग मशीन में जो भी देखिए तो वाशिंग मशीन में भ्रष्टाचार, देखिए एक मिनट, भ्रष्टाचार जो भी करेगा मैम, ये जितने भी लोग हैं ना सब भ्रष्टाचार के, और सबको जेल के अंदर जाना है, ठीक है? आज बेल पे घूम रहे हैं ना, तो जेल के अंदर जाना ही जाना है। केजरीवाल ने क्या कहा था कि मैं जन लोकपाल बिल लेके आऊंगा, क्या जन लोकपाल बिल आया? मोदी की गारंटी पे विश्वास करेगी? देखिए मोदी जी ने ही देश को आज, देखिए पहले हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे पहुंच गए, तो मोदी जी की गारंटी पे सबको भरोसा है, और मोदी जी ही देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और कोई नहीं कर। ये 12 लोग हैं, ठीक है, इनका कोई गठबंधन नहीं है, और देश में कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार अगर है तो लालू प्रसाद बेरोजगार है, क्योंकि उसके बाल बच्चे बेरोजगार है। पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, यहाँ केजरीवाल की पत्नी घूम रही है, इस्तीफा नहीं दे रहा। हाँ वो दिल्ली की राबड़ी, और ये केजरी कैंसर है, कैंसर। राबड़ी ने क्या करा था, लालू प्रसाद ने क्या करा था? लालू प्रसाद ने वही जब कहते थे, एक डायलॉग आता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा लालू, तो वो क्या करते थे, वो सबने नाई की दुकान पे, ये जितने भी बिहार की दुकानें थी सब दुकानों पे वो लग गई थी, उनकी पोस्टर लग गए थे, वहां पे उनकी पूजा आरती होया करती थी। क्या करा उन्होंने, चारा खाने के बाद में रेल मंत्री बने, तो लोगों की जमीन हड़प ली। तो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, और भ्रष्टाचार को मेरी बात सुनिए, वो खाते थे चारा, ये बंदे खा गए, ये आदमियों को खा गए। 1% हमारा जो हिंदुस्तान का कर्जा था 70 साल के अंदर सिर्फ 55,000 करोड़ रुपए का था, आज 2,05,000 करोड़ रुपए का 4 गुना कर्जा हो गया। अगर इनसे किसी से सवाल पूछा जाता है कि ये पैसा गया कहाँ, ये कहने लगे कि हमने सड़कें बनाई, ये बड़े बड़े वो बन गए। मेरी बात को समझिए, जो हमने ये जो सड़कें बनी हैं वो सारी बाहर की कंपनियों ने बनाई है, जिसकी पेमेंट हमारे को टोल के रूप में वापस करनी है। कोई स्कूल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सिर्फ पैसा का। तो अभी आज का जो सिस्टम देखो, हम सरदार आदमी हैं, हम कांग्रेस से जितने कट्टर दुश्मन थे उससे बड़े हम कट्टर दुश्मन कभी नहीं हुए आज तक, क्योंकि हमारे साथ बहुत कुछ उन्होंने किया। लेकिन आज 2014 के अंदर हमने जितना मोदी को सपोर्ट किया, लेकिन आज हम अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं कि राहुल को इस बार राहुल भी नहीं आएगा। ये कहने की राहुल की बात नहीं है, ये गठबंधन आएगा। यहाँ पूरे इंडिया के अंदर गठबंधन ही चलना चाहिए, क्योंकि
अकेला एक अकेला बन जाता है ना, जब वो अपने आप को फिर राजा समझने लग जाता है। जब तक एक दूसरे की टांग खींचने वाला नहीं होगा, झूठ मारने वाला, अब देखो दूसरी बात करो, नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा इस देश के अंदर। देखिए ये सरदार जी ने कहा, इनसे पूछे सरदार जी से, 1984 के दंगे किसने करे? सज्जन कुमार, एचकेएल भगत, ये सारे लोग है ना, ठीक है ना, एचकेएल भगत, सज्जन कुमार, सब अंदर पड़े हुए। पर सरदार जी को प्रकाश पर्व किसने मनाया? सरदार जी इन्होंने क्या कर रहे, काली पट्टी, इन्होंने काली पट्टी बांधी हुई है मैडम, इनको मोदी जी का विकास नहीं दिखेगा। इन्होंने क्या है, खाली नहीं दिखाई, तो देखो ऐसा है, ये कह रहे हैं कि हमारे ये क्या करते हैं, सिर्फ प्लीज एक मिनट, प्लीज करो, प्लीज प्लीज एक मिनट, एक मिनट, ये क्या करते हैं, ये कॉस्मेटिक एक सिस्टम बनाते हैं, कॉस्मेटिक सिस्टम बना के लोगों को, बच्चा होता है ना, जैसे बच्चा उसको लॉलीपॉप पकड़ा के उसकी उसकी निक्कर उतार लेते हैं, उनका ये काम है, बाकी कुछ नहीं इनके पास, सिर्फ ना कोई पॉलिसी है इनके पास, ना कोई सिस्टम है। मैम मोदी जी को तो देख लिया हमने, 10 सालों ने भुगत लिया, अब तो मोदी जी को कोई नहीं लाना चाह रहा, अब तो एक बार इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहिए, बाकी मौका तो सबको मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी बन सकते हैं पीएम, पढ़े लिखे हैं अच्छा खासा, मोदी क्यों पीएम बनना चाहिए, राहुल गांधी के पास वो कांग्रेस के पास क्यों नहीं है चेहरा, वो आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं है कि कांग्रेस का वो पीएम नहीं बन सकता, तो राहुल की गारंटी ले रहे हैं, छोड़ के हमें कहते हैं मोदी जी आप चले जाइए यहाँ से, रिक्वेस्ट है छोड़ के चले जाइए देश, आप 400 पास क्यों होगा, वो बोल देंगे वही होगा, वही होगा कि वो सकल को बम की पेंसिल है, उन्होंने लिख दिया 400 बार चले जाएंगे, क्यों चले जाएगा वो पर, ये बताइए एक विकास गिनाइए मेरा मोदी का, वो विकास किया है, एक विकास गिनाइए। अब देखिए मैडम क्या नहीं हुआ, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल ही रहा है, सड़क बन ही रहा है, किसका है, सुनो अब की विकास क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, इनको विकास दिखेगा, अब की बार विकास दिखेगा, अयोध्या बन गया, अयोध्या बन गया है, इस बार जब मथुरा बन जाएगा पूरा विकास दिख जाएगा इन लोगों को। मंदिर मस्जिद के नाम पे तो चल रही है राजनीति, वही नहीं जब कोई बच्चे ही नहीं है, विकास कहाँ से पैदा होगा, विकास कहाँ से पैदा होगा, जब बात आगे पीछे कुछ है ही नहीं, आगे पीछे है ही नहीं, विकास कहाँ से पैदा होगा ये बताओ मेरे को, ये देखिए आप क्या हो, 145 राहुल गांधी को लाइन शेट देखते, क्यों पप्पू का पप्पू, देखो भाई सुनो, देखो राहुल गांधी आना चाहिए, बात सुनो, गारंटी राहुल की गारंटी ये है, उनसे बाप दादाओं ने इस देश को तोड़ा, इसके बंटवारे किए, यहाँ पत्थरबाजी कराई, यहाँ आतंकवाद कराया, यहाँ गुंडागर्दी करवाई, यहाँ लूटमार करवाई, यहाँ घुसपैठ करवाई, यहाँ जो काम नहीं थे वे करवाए, इसलिए राहुल पसंद है, सुनो इसलिए राहुल पसंद है, क्योंकि आंखों से अंधों को नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ सड़कों के जाल बिछिए, एक गांव को शहर से जोड़ दिया गया, स्वास्थ्य की इतनी परियोजना लागू हो गई, मैं उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरे उत्तर प्रदेश में 1 एम्स श्रीदार 5 एम्स बढ़ गए, 5 एम्स लखनऊ में, गोरखपुर में, रायबरेली में, बता रहा हूँ, अरे सुन ले, जबान चलाने से कुछ नहीं होता, तथ्यों पे बात करो, तथ्यों पे, और मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से आज बेहतर है, जो देश के आने वाले भविष्य के लिए अच्छा काम करेगा, जो स्कूल अच्छे बनवाएगा, मोदी गारंटी, राहुल भाई बात करने के लिए कोई सामने वाला बराबर का होना चाहिए ना, क्यों विश्वास नहीं, आज पड़ोसी देश का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ये कह रहा है कि राहुल बनना चाहिए, उसका क्या मतलब पड़ा भाई, फिर दूसरी बात, एक बार जोर से कल तक ये कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह उसको टिकट दिया जाता है, उन गुंडों को वोट देगी, मैं एक चीज कहूंगा, सिर्फ एक चीज कहूंगा, अब की बार 400 बार बस, और कुछ नहीं, अब की बार 400 पार, ऐसा है, प्लीज सुनिए, अगर 400 पार की बात होती ना, 400 पार की बात होती तो आज ये दोबारा इनको हिंदू मुसलमान का मुद्दा दोबारा उठाना नहीं पड़ता,
हिंदू मुसलमान कोई नहीं रहा। 10 साल से एक भी दंगा बताओ, 10 साल से एक भी दंगा बताओ हिंदू मुस्लिम का, बताओ एक भी दंगा कहाँ पे हुआ? दंगार बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे होता था, कांग्रेस के टाइम पे होता था। सुना किस प्रकार जनता ने हमें अपना अपना मत बताया। बाकी तमाम इस तरह की अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ देखते रहे इंसाफ की बात। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं राशिका, नई दिल्ली।